मैं मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु परिकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अखंड एक निश्चय, प्रतिभा का संचय, कुछ यूं हो एक योद्धा का परिचय, संस्कृति की धरोहर, सादगी का सरोवर, अनंत एक गूंज, अपना भाई मनोहर। मापुसा गोवा में जन्मे मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर बड़े फैसले लेने से ज्यादा उन फैसलों पर निडरता से काम करने के लिए विख्यात थे। फिर वो इंजीनियरिंग का करियर छोड़कर राजनीति में आने का फैसला हो, या सार्वजनिक जीवन की नई जिम्मेदारियों को निभाने का फैसला, या एक आखिरी फैसला, पर्रिकर जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही अपनी पत्नी को वचन दिया था कि आने वाले वक्त में वो सार्वजनिक जीवन त्याग देंगे और वापस निजी जीवन की ओर लौटेंगे। लेकिन वचन में तो बस भविष्य की एक कल्पना है, और भविष्य में हमारी कल्पना के अलावा भी बहुत कुछ है। साल 2000 में जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो उनको दिया हुआ वचन अपने आप को अकेला पाता इस सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गया। पर्रिकर जी के सार्वजनिक जीवन से औपचारिकताएं शून्य हो गईं, निजी जीवन की जिम्मेदारियां भी अब उसका हिस्सा बन चुकी थी। अपने दोनों बेटों को माता और पिता का प्यार देते वो गोवा के लिए भी एक पिता की छवि बन चुके थे, और ऐसे शुरू हुआ मनोहर भाई का एक नया जीवन, जो फिर सिर्फ प्रभावित हुआ तो अपने प्रदेश और उसके लोगों की जरूरतों से। अक्सर मुलाकातियों से घिरे मनोहर पर्रिकर को शायद ही गोवा की कोई खबर अखबारों से मिलती थी। अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी उन्होंने स्वयं को ही माध्यम चुना। गोवा के राजनैतिक संघर्ष से विकासशील स्थिरता का सफर आम लोगों के इस विश्वास से ही संभव हुआ। इन योजनाओं में वैज्ञानिक सोच और सोशल इंजीनियरिंग का एक अनूठा मिश्रण था, जो स्टार्टअप की योजनाओं से युवाओं को आत्मनिर्भर होने को प्रेरित करती हैं, वहीं नौजवानों पर आश्रित बुजुर्गों को पेंशन देती दूसरी योजना दोनों को स्वतंत्र जीवन जीने का विकल्प देती थी। किसानों को सहारा देने के साथ साथ राजकीय आय का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर समर्पित कर पर्रिकर जी शायद सदा ही हर समस्या का स्थायी समाधान खोजते थे। जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए उनकी नीति बेहद आसान शब्दों में ये कहती थी कि उनके लिए ये मुद्दे उनकी निजी समस्या जैसे थे। उनकी इस कल्पना से ही उनके विपक्षी भी उनके मुरीद हो गए। उनकी कल्पना और आत्मविश्वास का एक और प्रतीक पंजिम में स्थित इफी का स्थायी स्थल है। आत्मविश्वास से भरे पर्रिकर जी ने साल 2004 में ये वादा किया था कि वो इफी का इतना शानदार आयोजन करेंगे कि सरकार के लिए पंजिम को स्थायी स्थल न बनाना असंभव हो जाएगा। इफी का गोवा में आना एक आधिकारिक फैसला था। मनोहर पर्रिकर ने उस फैसले को विश्वसनीयता दी। आज इफी की 50वीं सालगिरह पर उनकी कही बात का स्मरण हमें आत्मविश्वास की शक्ति का एहसास दिलाता है। अपने विनम्र स्वरूप में जीवन समेते सुलझे व्यक्तित्व की शख्सियत मनोहर पर्रिकर ने हर आंतरिक युद्ध को समाज और राजनीति के पटल पर लड़ा, पर एक आखिरी आंतरिक युद्ध उन्हें लड़ना था, एक अस्वस्थता का दौर। वो कहा करते थे कि मनुष्य का मस्तिष्क अगर निर्णय कर ले तो वो हर रोग से लड़ सकता है, और उनका ये युद्ध शायद हम सब के लिए प्रेरणा है। जीत या पराजय के द्वंद से दूर, निर्णय की तेज रोशनी में जहां हार और जीत समान हो जाते हैं और रह जाता है बस योद्धा और उसके युद्ध के बीच का रिश्ता। पर्रिकर जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी स्मृति मात्र
हमारे कई सवालों का जवाब एक साथ दे देती है। बहुत ही सरल साफ शब्दों से सजा एक आशा का संगीत जो हमें वापस ले जाता है उन्हीं संकल्पों पर, फैसलों पर, उन्हीं हौसलों पर, उसी विनम्रता पर और युद्ध के उस स्वार्थ रहित निर्णय पर। मनोहर पर्रिकर एक महान योद्धा को विनम्र श्रद्धांजलि। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आई विल ट्रांसफर माई जोश टू यू।